यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, देवभूमि हिमाचल का रुख करेंगे। हिमाचल में लगातार बढ़ रही पानी की किल्लत को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। साथ ही आपको बता दें, सीएम जयराम ठाकुर से खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर ने खास बातचीत की है। में जल संकट चल रहा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। खुद बात करने के लिए ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मेरा पहला यही सवाल है, जो आपने पीएम साहब को पत्र लिखा जल संकट को लेकर, क्या कुछ बातों का जिक्र आपने पत्र में किया है? पीएमओ के माध्यम से जो शिमला में जल संकट की परिस्थिति निर्मित हुई है, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी, हमने वो जानकारी दी है। और जानकारी के साथ साथ में हमने कहा है कि वर्तमान परिस्थिति को हम सरकार के स्तर पर, अपने स्तर पर जो किया जा सकता है वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम काफ़ी हद तक हम सफल भी हो रहे हैं। और इस बार, क्योंकि मैंने पहले भी कहा इस बात को लेकर के कि जल स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट आने की वजह बर्फ़ का ना पड़ना, बारिश का ना होना, ये वजह रही, और इस कारण से बहुत नीचे न्यूनतम स्तर पर जो है, अब की बार जो है वो आज से पहले कभी इतना नीचे नहीं गया था जल स्तर शिमला का, जो पानी के स्रोतों का वो गया है। तो हमने वो सारी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को कार्यालय को भेजी है। आज भी व्यक्तिगत रूप से हमने यहाँ आने के बाद एक पत्र दोबारा भेजा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी विदेश में हैं, तो इसलिए पत्र के माध्यम से हमने सारी जानकारी, और उसके साथ साथ में हमने एक बात के लिए आग्रह भी किया है, निवेदन भी किया है, इस सारे जल संकट से निपटने के लिए तीन पार्ट्स में हमने कुछ चीज़ों का जिक्र करते हुए हमने कहा कि इमीडिएटली हमें जो राहत के रूप में आप मदद करें, 200 करोड़ रुपए की लगभग अगर हमको मिल जाता है तो हम ऑगमेंटेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के सारे सिस्टम को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति काफ़ी हो रही है, विरोध प्रदर्शन काफ़ी हो रहे हैं, सीएम आवास घेरा जा रहा है, जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो जल संकट है पिछले 5 महीनों का तो होगा नहीं, क्योंकि 5 महीनों आपके आए हुए, उससे पहले का भी संकट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सरकारें रही हैं पहले। मुझे सिर्फ इसमें इतना ही कहना है कि ये जो संकट है उसमें मैंने कहा कि मुख्य कारण प्राकृतिक दृष्टि से पानी का ना होना, बर्फ का ना पड़ना, जल स्रोत में पानी के इसमें भारी गिरावट होना, ये वजह है। लेकिन उसके साथ साथ में अगर व्यवस्था पर अगर बात करें तो व्यवस्था में मुझे सिर्फ ये जानकारी देनी है उन मित्रों को जो बहुत शोर डाल रहे हैं, जो सीपीएम के लोग शोर डाल रहे हैं, उनको मैं कहना कि अभी इससे पहले कॉरपोरेशन उनकी 5 वर्ष शिमला में रही और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को सारा तहस नहस करके रखा था वहाँ पर। और उसके साथ साथ मैं दूसरी तरफ जो शोर डालने की बात कर रहे हैं, मैं कभी आज तक नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ इस बात को, जो शोर डाल रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि शिमला में पानी का संकट आए दिन रहता है, और उसके लिए व्यवस्था उन्होंने क्या की 5 साल सत्ता में रहते हुए। जो पानी की व्यवस्था आज से 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, वो वहीं की वहीं खड़ी है, और अगर व्यवस्था की होती तो मुझे लगता शायद ये परिस्थिति नहीं आती। तो अभी हमने ये तय किया, फिलहाल इस संकट से बाहर निकालना है शिमला को, और उसके साथ साथ में आने वाले समय में लंबे समय के लिए योजना बना करके शिमला की इस जल संकट की समस्या का हमेशा के लिए निदान करना, समाधान करना। मेरा आखिरी सवाल यही था कि योजना किस तरह की रहेगी भविष्य की, क्योंकि व्यवस्था वही की वही, और जो आबादी कई गुना बढ़ चुकी है शिमला की। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आबादी बढ़ गई है, और आजकल के दिनों में शिमला में टूरिस्ट का भी बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, उस दृष्टि से पानी की खपत ज़्यादा होती है, ये भी सच है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि आगामी लंबे समय की योजना बनाने की जो आवश्यकता है, उसके लिए मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का जो हमारा 700 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट जो हमने सबमिट किया है, जो स्वीकृति के दौरान बीच में अभी पड़ा है, तो उसको स्वीकृत होने के पश्चात हम शिमला की समस्या का, पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने की स्थिति में हो पाएंगे। ये थे मुख्यमंत्री साहब, कह रहे हैं कि जल संकट दूर करने के लिए जो लंबी योजना है, लंबी योजनाओं पर काम करने की जरूरत है। साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष को राजनीति न करने की सलाह दी। कैमरामैन जीतू के साथ अनिल मोर।